आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिला कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 21 अप्रैल को 1216 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं 18 मरीजों की मौत हुई है और 1427 मरीजों ने कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज पा लिया है। जिले में अब तक कुल 40512 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 27797 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 12089 मामले सक्रिय होकर उपचार ले रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 628 मरीजों की मृत्यु हुई है। पाए गए 1216 मरीजों में भंडारा तहसील के 551, मोहाड़ी के 50, तुमसर के 177, पवनी के 92, लाखनी के 152, साकोली के 128 और लाखांदुर के 66 मरीज शामिल है। भंडारा जिले में अब रिकवरी रेट 68.61% हो गया है और मृत्यु दर 1.55%। बता दें कि जिले में अब तक 2,99,429 सैंपलों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 40,512 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में संक्रमितों के साथ साथ मौतों का दर भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन कड़ाई से करने का आह्वान बीएस क्राइम इंडिया न्यूज सभी नागरिकों से करता है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।